अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला शिमला इकाई की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक आज बचत भवन शिमला में आयोजित की गई। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला शिमला इकाई के अध्यक्ष गोपाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में विभिन्न विभागों की मांगों और समस्याओं पर चर्चा के साथ साथ 25 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर भी मंथन किया गया। हाँ जी, मैं गोपाल जिल्टा, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शिमला का अध्यक्ष हूँ। हमारा 25 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासन के पास विचाराधीन था, जिसपे आज हमारी JCC कंडक्ट हुई। 25 सूत्रीय मांग पत्र में हमारी कई मांगे थी, उसमें कैपिटल अनाउंसिस को अनाउंस करने का मामला था, HR को अनाउंस करने का मामला था, जो DC महोदय ने रिकमेंड करना था क्योंकि फाइनेंस से कंसर्न मामला। इसके अतिरिक्त मामले जो हमारे थे ब्लॉक लेवल पे के मामले थे, हमारा जो है जो ऑफिस में कैंटीन्स है वो सब्सिडाइज हो, ऑफिस का अच्छा वहाँ वातावरण बने, और मेन जो इशू था हमारा इसके अलावा वो था शिमला के अंदर ट्रैफिक सिस्टम को चैनलाइज करना, प्रॉपर हर जगह से कर्मचारियों के लिए बसेज का प्रावधान किया जाए हर एजिस से, हर जगह से, ताकि वो ऑफिस आने के लिए उन्हें सुविधा रहे और अपनी व्यक्तिगत गाड़ियों का प्रयोग कम करना पड़े। इससे 2-3 चीज़ों का जो फायदा होगा, एक तो पर्यावरण बचा रहेगा, यहाँ पर जो जाम की जो समस्या रहती है उससे निजात मिलेगी, और सबसे अधिक बात जो टाइम पे कर्मचारी आएगा और टाइम पे कर्मचारी को जाने के लिए बस की अगर सुविधा मिलेगी। ये मामले में हमारा ज्वलंत मामला था और TC साहब ने इस पर बहुत ही सीरियस व्यू लेते हुए ट्रांसपोर्ट के जो MD थे यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि ये सारा मामला हम देखेंगे, जहाँ जहाँ हमने जो प्रपोजल दी है सरकार को DC माध्यम के माध्यम से, वहाँ पर बसेस को उपलब्ध करवाया जाएगा। ये और कई मामले ऐसे थे, जैसे हमारा ब्लॉक लेवल पर जो DC साहब ने अनाउंस कर दिया, ब्लॉक लेवल पे NGOs के ऑफिस को एस्टेब्लिश करना, वहाँ पर उन्हें ऑफिस के लिए स्थान देना, तो DC साहब ने कहा कि 15 दिन के अंदर आप ये इंश्योर करोगे कि हर ब्लॉक्स में क्या NGOs के लिए ऑफिस का व्यवस्था आपने कर दी है, वो प्रॉपर ऑफिस वहाँ चल रहा है। ये भी जो कोविड टाइम में ऑनरेरियम जिनमें जो मिलना था, जो कोविड वॉरियर्स थे, उनके ड्यूज पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, डिपार्टमेंट के पास, वो तुरंत रिलीज किया जाए, ऐसा भी डायरेक्शन DC साहब ने किया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जनरल सेक्रेटरी मोदी भी यहाँ पर बात रखेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्पॉट पे ही DC साहब ने अपने दूरदर्शिता और अपने मतलब जो क्योंकि एक्शन के हिसाब से डायरेक्शन दे दी फील्ड ऑफिसर्स को, और सभी जहाँ जहाँ जो जो काम होने हैं उन्हें, और फीडबैक भी मांगी थी 15 दिन के अंदर, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी DC साहब को आएगी। तो ये बहुत अच्छी बैठक, जैसे मैंने कहा 10 साल के बाद जो बैठक हुई, इतनी सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई, सभी कर्मचारी और अधिकारी कन्विंस हुए कि वास्तव में बैठक जो है रेसिप्रोकेट हुआ, मीटिंग का बहुत शानदार तरीके से हुआ। जो हमारे 25 सूत्रीय मांग पत्र थे उसमें विस्तार से तफसील से चर्चा हुई और उसके समाधान भी हुआ, जो गवर्नमेंट को जाना है गवर्नमेंट का गया, जो यहाँ से सेटल होता है यहाँ सेटल हो गया, और कुछ अन्य मुद्दे भी इसके अतिरिक्त डिस्कस हुए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक तो जनमरे बड़े मुद्दे सेटल होता है यहाँ सेटल हो गया और कुछ अन्य मुद्दे भी इसके अतिरिक्त डिस्कस हुए, तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक तो जनमरे बड़े मुद्दे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वो हमारे सेटल कर दिए, स्पेस के लिए अनोमलीज का चाहे हमारे डाइडेंस का था इश्यूज थे वो सेटल हो गए, और बाकी इश्यूज के लिए हमारे जो प्रदेश का अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर जी आज इसी वजह से वो यहाँ नहीं आ सके, वो कैबिनेट में कुछ इश्यूज ऐसे ऐसे जहाँ पेंडिंग इश्यूज है उसका नोटिफिकेशन होना है, उसके लिए वो अभी सेक्रेटेरिएट में डटे हैं। 24 तारीख को हमारा कुल्लू में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है कर्मचारियों का CMG के सम्मान में, वहाँ पर वो जो पेंडिंग इशू है वो भी रिजॉल्व हो गए वहाँ पर जाके, तो ये सारा सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।